हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को बताया जाएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 2024 के जो भी मैट्रिक में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो पूरा देख जाते हैं तो उनको मैट्रिक के एग्जाम में क्षेत्रमिति से जितना भी प्रश्न आएगा बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो सभी फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे ताकि मैट्रिक के एग्जाम बोर्ड में बनाने में परेशानी नहीं होगी और आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग वृत्त का जानेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, आप लोग सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके आगे चलेंगे तो यहाँ क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? टू पाई आर होता है। ठीक, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया और वृत्त की परिधि क्या हो गया? टू पाई आर हो गया। अब आगे क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? डी बटा दो। ठीक, डी क्या होता है? व्यास होता है, व्यास बटा दो होता है, वो क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या दिए हुआ है? अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है आर इंटू पाई प्लस टू। ठीक, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू पाई प्लस टू हो जाएगा। ठीक, अब आगे यहाँ क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुना टू पाई आर। ठीक, यहाँ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब आइए आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो आगे क्या है, वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब आगे क्या है, घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। ठीक, अगर इस पे 2 लिखा हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 लिखा है तो इसको क्यूब पढ़ेंगे, यानी ए क्यूब हो गया। अब इसके आगे क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 LB + BH + HL। ठीक, यहाँ घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 LB + BH + HL हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसके आगे देखते हैं। तो अब इसके आगे क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 L + B + H हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 L + B + H है। अब आगे क्या है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? L गुना B गुना
एच हो जाएगा। ठीक, यहाँ घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच हो जाएगा। अब आइए इसके आगे फॉर्मूला को देखते हैं। तो आगे क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr(r+h) हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। अब आगे क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr(h) हो जाएगा। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr(h). अब आगे क्या है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr²h हो जाएगा। ठीक, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr²h हो जाएगा। अब आगे क्या है, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr×r+l हो जाएगा। ठीक, यहाँ शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr×r+l हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr×l हो जाएगा। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr×l हो जाएगा। अब शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3πr²h हो जाएगा। ठीक, शंकु का आयतन बराबर 1/3πr²h। अब आगे क्या है, गोला है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4πr²। ठीक, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अब आगे क्या है, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 यानी 4/3πr³। ठीक, यहाँ गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे फॉर्मूला को देखते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, अर्धगोला, अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 3πr². ठीक, अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। अब उसके बाद क्या है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 2πr² होता है। ठीक, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr², और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 3πr² होता है। अब यहाँ क्या है, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होगा, 2/3πr³ यानी 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इतने ही फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसानी से क्षेत्रमिति के सवाल को बना सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।